सर्वेभ्यो नमो नमः। भारती वसंत गीति नामक पाठ के भाग दो में आप सभी का स्वागत है। भाग एक में हमने इस पाठ के एक श्लोक को देखा था और आज हम इसके जो शेष श्लोक हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस पाठ का जो पहला द्वितीय श्लोक है वो है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानी रतीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीना निनादेन वीना मये वाणी वीणा। पुनः एक बार सुनेंगे वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणा मये वाणी वीणां। सनीर, सनीर का मतलब होता है जल से पूर्ण, जल से भरा हुआ। समीर अर्थात हवा, वायु। कलिंदात्मजायः अर्थात यमुना नदी के, सवानीर तीरे अर्थात बेत की लता से युक्त तट पर, नताम, नताम मतलब झुके हुए, झुकी हुई। इसके अन्वय को हम देखेंगे। कलिंदात्मजायः सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहती मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात बच्चों अन्वय में इसके अर्थ को कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, कलिंदात्म जायः। कलिंदात्म अर्थात यमुना नदी के। कलिंदात्म, कालिंदी नामक आपने एक सर्प के बारे में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जिसके सिर पर खड़े होकर नृत्य करते हैं यमुना के किनारे, वहां पे जो सर्प था, यमुना में जो सर्प था, सर्प जो रहता था, जो बहुत काला और जहरीला सर्प था, उसका नाम क्या था, कालिंदी। तो वहीं से ये शब्द आया है कलिंदात्मजायः अर्थात यमुना के तट पर, यमुना के सवानीर तीरे, तीर मतलब तट पर, सवानीर मतलब बेत की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर सनीरे समीरे, सनीर मतलब पानी के साथ, पानी के साथ कौन, समीर अर्थात हवा, पानी के साथ, पानी को साथ में लेकर हवा मंदम मंदम बहती धीरे धीरे बह रही है। मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम, मधुमाधवी नाम, बच्चों मधु और माधव हिंदी में दो महीनों के नाम होते हैं। मधु का मतलब होता है चैत्र और माधव का नाम होता है वैशाख। चैत्र और जो वसंत की ऋतु होती है वो भी इसी चैत्र के महीने में होती है। तो यहां पर इसका एक अभिप्राय निकल के इस हमारे सामने आता है कि चैत्र और वैशाख में जो भी पुष्प उगते हैं, जो भी लताएं उगती हैं, जो भी वृक्ष उगते हैं, वो क्या हो गए हैं, नताम झुक गए हैं। अर्थात मधुमाधव की, मधुमाधव के जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो पुष्प हैं, वो नताम झुक गए हैं। पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम मतलब उसके समूह को, आलोक्य मतलब देखकर उसके समूह को, जब किसी वृक्ष में फूल आता है, जब किसी वृक्ष में फल आता है तो वो वृक्ष जो होता है वो झुक जाता है। तो यहाँ पर भी मधुमाधवी नाम नताम, मधुमाधव की जो लताएं हैं, मधुमाधव के माह में, महीने में उगने वाली जो लताएं हैं वो झुक गई हैं और उसकी पंक्ति को आलोक्य देख कर, अये वाणी, अरे सरस्वती, आप नवीन वीणा का नाद कीजिए, नवीन वीणा को बजाइए। आगे, इसके आगे वाले श्लोक को अब देखेंगे।
ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादे नवीना मये वाणि वीणां निनादे नवीना मये वाणि वीणां ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर मलय मारुतो चुंबिते अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए मंजुकुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित आच्छादित मतलब घिरे हुए ढके हुए स्वनंतिम अर्थात ध्वनि करती हुई ततिम अर्थात पंक्तिम अभी पहले श्लोक में भी पंक्तिम आया था मतलब समूह को प्रेक्षयः देख कर मलिनाम मलिन अर्थात काले रंग के कृष्ण वर्ण के भंवर अली नाम अर्थात भंवरे। तो इस का क्या अभिप्राय हो जाएगा क्या अर्थ हो जाएगा ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादय नवीना मये वाणि वीणां। इसके अन्वय को देखेंगे ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो चुंबिते स्वनन्तिं अलीनां मलीनां ततिं प्रेक्षयः मये वाणीं नवीनां वीणां निनादय। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। अब यहाँ पे मलय मारुतो चुंबिते मलय अर्थात चंदन मारुत का मतलब क्या होता है हवा चुंबित का मतलब होता है स्पर्श करना। देखिए यदि चंदन के पेड़ उगे हुए हैं और हवा चल रही है और आप अगर वहां से 1 किलोमीटर दूर भी खड़े हैं चाहे या आप 2 किलोमीटर दूर भी खड़े हैं यदि हवा चलती है और चंदन के वन में से होती हुई आती है तो आपको किसकी सुगंध आएगी स्वाभाविक है हमको चंदन की सुगंध आएगी हमें हवा में चंदन की सुगंध आएगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ आसपास में कोई चंदन का जंगल है या चंदन का वृक्ष है। तो ऐसे ही देखिए हवा चल रही है और वो किसको स्पर्श करती हुई आ रही है चंदन के वृक्षों को और फिर उसके बाद कहाँ जा रही है किस किस को स्पर्श कर रही है ललित पल्लवे सुंदर पल्लवों को पत्तों को पादपे ललित पल्लवे पादपे सुंदर छोटे छोटे पल्लव पत्ते वाले पादपों को पुष्प पुंजे पुष्प के पुंजों को मंज कुंजे और सुंदर कुंजों को जो हवा चल रही है वो स्पर्श करती हुई चल रही है इन सबको और इसी के बीच में कहते हैं अलीनाम मलीनाम ततम प्रेक्षयः अलीनाम मलीनाम मलीनाम मतलब काले कलर के काले रंग के अलीनाम भंवरे को ततिम प्रेक्षयः देखकर काले रंग के भंवरे को भंवरों के समूह को ततिम मतलब पंक्तिम प्रेक्षयः देखकर और वहां पर यदि इतनी सुंदर यदि वहां पर पुष्प के पुंज हैं मंजु कुंज है हवा जो चल रही है वो चंदन को चुंबित करते हुए चल रही है तो वहां पे भंवरों का होना स्वाभाविक है। तो ऐसे काले मलीन अर्थात काले रंग के अलीनाम भंवरों की ततिम अर्थात पंक्ति को
समूह को प्रेक्षयः देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। कितना सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है प्रकृति का। पुनः एक बार देखेंगे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। जो ललित पल्लव वाले अर्थात सुंदर पत्ते वाले पादप हैं, पुष्प के पुंज हैं, मंजु कुंजे और उनका जो मंजु कुंज है अर्थात सुंदर जो उनका कुंज है, स्थान है, वहां पर जो हवा चल रही है, वहां पे जो पवन चल रही है, वो चंदन को स्पर्श करते हुए आ रही है। चंदन को स्पर्श करते हुए हवा चल रही है उस जगह पर, और उन इन सब पादमों पर, पुष्प पुंजों पर काले रंग के, मलिन रंग के जो भौरे हैं, उनका जो समूह है वो प्रेक्षयः, माँ सरस्वती को कहा जा रहा है कि आप उनको देखिए, उन भौरों को देखिए और हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम। तवा कन्या वीणा मदीनाम नदीनाम निनादे नवीना मयेवाणि वीणाम। सुममम अर्थात फूलों को, पुष्पों को, शांतिशीलम शांति से युक्त, उच्छलित मतलब उछल गए अपनी जगह से ऊपर उठ गए। कांत सलिलम स्वच्छ जल, कांत सलिलम अर्थात स्वच्छ जल, सलीलम अर्थात खेल खेल के साथ। आकर्णयः शब्द पुनः प्रयोग हुआ है, एक बार पहले भी हुआ था। आकर्णयः मतलब श्रुत्वा सुनकर। तो अब इसका जो अन्वय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तव अदीनाम वीणाम आकर्णयः लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत एवाणी नवीना वीणा निनादय। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। अब सरस्वती को कह रहे हैं कि आपकी जो सुंदर वीणा है उसको सुनकर क्या क्या हो रहा है प्रकृति में, उसको बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं तव अदीनाम वीणाम आकर्णयः अर्थात तुम्हारी अदीनाम वीणाम, ये ओजस्वी जो वीणा है, जो आप वीणा बजा रही हैं उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो ओजस्वी ध्वनि है, उसको आकर्णयः सुनकर अर्थात आपकी ओजस्वी वीणा की ध्वनि को सुनकर। लतानाम नितांतम लताओं के नितांत शांतिशीलम, जो शांत रहने वाले, जो लताओं के नितांत शांत रहने वाले सुममम फूल हैं, पुष्प हैं, चलेत मतलब हिल उठे, अब अपने स्थान से तो चलेंगे नहीं अर्थात हिलेंगे वो, तो जो लताओं के नितांत शांति पसंद शांतिशील जो पुष्प हैं वो अब क्या हो गए, वो अपने वो चलेत वो हिल उठे। नदी नाम कांत सलिलम नदियों का जो मनोहर जल है, कांत सुंदर मनोहर सलिलम जल है, नदियों का जो कांत सुंदर जल है वो सलिलम उच्छलेत, सलिलम का अर्थ मतलब खेलने के लिए, उच्छलेत उछल गया। नदियों का जो सुंदर जल है, जो कांत जल है, पानी है, वो कीड़ा करते हुए उछल पड़ा, खेलते हुए सलिलम अर्थात खेलते हुए उच्छलेत उछल गया। अये वाणी अरे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, अपनी नवीन वीणा को बजाइए। पुनः एक बार इसका करेंगे हम, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले
क्षलेत्कांत सलिलं सलीलं तवाकण्णवीणामदीनां नदीनां निनादे नवीनामयेवाणिवीणाम्। इस प्रकार यहाँ पर हम पूरे पाठ के चारों श्लोकों को एक साथ देख सकते हैं और इसका एक बार हम वाचन करेंगे, पाठन करेंगे। आप सुनिएगा ध्यान से और प्रयास कीजिएगा घर में इसका, इसके अभ्यास का। निनादे नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीलाम। निनादे नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीति लीलाम। मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालः वसन्ते लसन्तीह सरसारसालः। कलापः ललितकोकिलाकाकलीनां निनादे नवीना मये वाणी वीणां। वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे। वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे। नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीना मये वाणी वीणाम्। निनादे नवीना मये वाणी वीणाम्। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे। स्वनन्तिं ततिं प्रेक्षमलिनामलीनां स्वनन्तिं ततिं प्रेक्षमलिनामलीनां। निनादे नवीना मये वाणी वीणां। निनादे नवीना मये वाणी वीणां। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं। तवाकण्यवीणामदीनां नदीनां निनादे नवीना मये वाणी वीणाम्। निनादे नवीना मये वाणी वीणाम्। बच्चों आप भी इस पाठ का ऐसे ही वाचन कीजिएगा, पाठन कीजिएगा, इसको गाने का, संगीतमय गाने का प्रयास कीजिएगा। आपका अध्ययन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहे और भगवान से यही कामना करेंगे कि शीघ्र जो बाधा हम संपूर्ण विश्व पर आई है उसका तारण हो, उसका समाधान हो। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।